गाइस वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो शाम के 6:30 PM हो चुके हैं और मैं अभी जा रहा हूँ थोड़े से नीचे, क्योंकि थोड़ा सा मन मेरा करता है शाम टाइम मैं नीचे चलने जाता हूँ टहलने। और काफी लोग सोच रहे होंगे भाई मेरा ब्लॉग क्यों आप शाम को शूट कर रहे हो, सुबह टाइम क्यों नहीं शूट कर रहे हो, क्योंकि भाई देखो मैं सुबह शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं ऑफिस में जाता हूँ, अप्रेंटिस कर रहा हूँ, तो सुबह मुझे जल्दी जाना पड़ा, जल्दी होना गया था वहां से अपने जॉब लोकेशन से, तो वहां जल्दी मुझे जाना पड़ा। फिर वहां जाके मैं 5 बजे फिर घर आ गया। उसके बाद मुझे बहुत भूख लगी, जल्दी से आइसक्रीम रखी थी, आइसक्रीम खाया, बिस्किट खाया, फिर थोड़ी बाद आराम रेस्ट किया, मैं सो गया, चार्ज मोबाइल चार्जिंग लगा के सो गया। मैं 6 बजे मैं आराम से उठा, उसके बाद फिर मैं अपना पानी वानी पिया, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर टहला वाला और थोड़ा सा टीवी देखा। अब जा रहा हूँ 6:30 बजे नीचे, थोड़ा बच्चे भी खेल रहे हैं उनके साथ भी क्रिकेट खेल लेंगे, या नहीं खेलने मौका मिलेगा तो थोड़ा टहल लेंगे, और मेरा फ्रेंड भी आ जाएगा साथ में, उसके साथ बातें भी कर लेंगे। तो कल मैं ब्लॉग नहीं एंड कर पाया, आते आते 11:30 बज गया, क्योंकि मुझे थोड़ा काम पापा के साथ जाना पड़ गया। फिर उसके बाद जैसे 11:30 हुआ फिर नाश्ता किया, और 12 बजे मैं जैसे ही लेटा सिस्टर का फोन आ गया, आज हैप्पी बर्थडे होम, तो मैंने विश किया उन्होंने, मैंने कहा हैप्पी बर्थडे थैंक यू विश करने के लिए। और उसके बाद फिर मैं सो गया, उसके बाद मुझे पता नहीं किसका फोन आया किसका नहीं आया, अरे दिन बस सो गया। फिर सुबह उठा, व्हाट्सएप पे कई लोग के मैसेज आए, इंस्टा पे कई लोग ने मुझे मेंशन किया। अभी तो सो ही रहा था और अचानक से घंटी बजी, मैं उठा तो देखा यार मेरा बर्थडे का केक आ चुका है और दीदी ने मंगाया है, बड़ी वाली दीदी ने, तो चलिए फिर केक काटेंगे और पूरा मजा लेंगे। इसकी वीडियो में केक काटने वाला तो आपको पूरा मैं शेयर करूंगा। बात करना नहीं चाह रहे, कह रहे हैं पत्नी आ रहा है मेरे को जल्दी से नीचे ले चलो, चल रहे हैं नीचे ही चल रहे हैं। भाई भैया के साथ बर्थडे तो बनाए हो, कुछ तो बोल दो, मुस्की तो दे दो, मुस्की भी नहीं दे रहे हो हैं। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, तो कल सुबह इस ब्लॉग को फिर से स्टार्ट करूंगा, तो चलिए सबको गुड नाइट। हेलो गाइस वेलकम बैक माई न्यू ब्लॉग। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और मैं 8 बजे उठा और उसके बाद थोड़ा मोबाइल चलाया, फिर थोड़ा टीवी देखने लगा, और अभी वेट कर रहा हूँ दूध वाले भैया आ जाए, फिर दूध ले ले, फिर नहाए बना नहाने कुछ जाऊंगा, फिर भैया आ जाएंगे दूध लेने, आके जल्दी जल्दी भाग के जाना पड़ेगा दूध लेने। तो देखते हैं कितनी दूर कितनी देर में आते हैं दूध वाले भैया, और उसके बाद दूध ले लेता हूँ फिर नहाता हूँ। अगर नहीं आते हैं थोड़ा टाइम लगता है तो मैं जाके अभी तुरंत नहा लूंगा, फिर जैसे ही आएंगे तुरंत उनसे दूध ले लेंगे। मौसम देखते हैं, अभी कड़ाके वाली धूप निकली हुई है, मैं समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे बारिश कब होगी यार, बारिश सब जगह बारिश हो जा रही है, यही अपने लखनऊ में और जहाँ मैं रहता हूँ वहीं बारिश नहीं हो रही है। भगवान जी क्या चाहते हैं, अब यहाँ बारिश ना हो प्लीज, बारिश कर दीजिए मौसम ठंडा हो जाए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले टेम्परेचर चेक किया तो अभी 31 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है,
और जैसे दोपहर में आते आते 42 डिग्री सेल्सियस या 43 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इतनी गर्मी हो रही है, बरसात नहीं हो रही, बाकी जगह की बरसात हो जा रही है और वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे बारिश हो जाए। तो अभी फिर दूध वाले भैया का फोन आया था, वो कह रहे हैं भैया हमें थोड़ा देर हो जाएगी आने में। फिर मैंने बोला भैया मैं तब तक नहा लेता हूँ, तो बोले बोले तब तक आप नहा लो। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और अभी बस थोड़ी देर में जा रहा हूँ मैगी बनाने, क्योंकि अभी जाऊँगा थोड़ी देर पूजा वूजा करूँगा, फिर उसके बाद मैगी बनाऊँगा, क्योंकि मैगी बनाने का बहुत मन था बड़े दिनों से। दांत की वजह से मैं खा नहीं पा रहा था, क्योंकि दिखाता था इधर से पेन होता था दांत में, तो जब से आरटीसी हो गई और फीलिंग हो गई उसके बाद से मैं नॉर्मल चीज़ें खा लेता हूँ, बस अभी कड़ी चीज़ नहीं खा पाता, नहीं तो मेरा कैप नहीं लग जाएगा और कैप लग जाने के बाद 1-2 हफ्ता के बाद खाना पड़ेगा मुझे कड़ी चीज़, तो उसको थोड़ा अवॉइड करना ही पड़ेगा। तो नॉर्मल चीज़ तो मैगी आ जाती है, तो सॉफ्ट भी होती है, खाने में मज़ा भी आएगी। तो जल्दी से पूजा करते हैं फिर अपने लिए मैगी बनाते हैं। मैगी बना के ले आया हूँ कमरे में और जल्दी से मैगी का मजा लेता हूँ, और क्योंकि 10 बज चुका है तो 1:30 बजे खाना भी खाना है। तो अगर मैंने मैगी खाने में देर कर दी ना, तो मम्मी मेरे को पिटाई करके बहुत मारेंगी, तो साथ में मैगी खा रहा हूँ। अभी मैंने कूलर में पाइप लगा दिया है और पानी चालू कर दिया है, तो ज़्यादा भी कूलर में पानी भरना नहीं है, ज़्यादा खाली भी नहीं है, तो थोड़ा बहुत पानी भरना है। तो तब तक मैं अपना थोड़ा सा कुछ खाना पीना होगा वो भी खा लूँगा और चाय पीनी होगी चाय बना के पी लूँगा। तब तक ये कूलर मेरा पानी भी भर जाएगा और तब तक मम्मी भी नीचे आ जाएंगी और रेडी होकर उन्हें डॉक्टर को दिखा लाऊँगा मैं। फिर डॉक्टर को दिखाने के बाद मैं बताता हूँ थोड़ा क्या डॉक्टर ने किया और कैसे पूरा नाप लिया। हो सकता है मैं ब्लॉग वहाँ शूट ना कर पाऊँ, तो अपने डेंटिस्ट के पास जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा कैप वैप लगना है और दांतों का नाप देनी है कैप के लिए। तो वहाँ से जिसके थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर लेंगे, अपने ब्लॉग में डाल देंगे। तो फिर याद आया, सोचा मैंने, तो वहाँ पर परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर परमिशन नहीं मिलती है तो मैं ब्लॉग में नहीं डालूंगा, और वहाँ से आऊँगा तो यही आपको बता पाऊँगा मैंने कैसे उन्होंने क्या किया, कैसे नाप लिया और कब तक मेरा कैप लगेगा। रेडी हो चुका हूँ, मम्मी भी रेडी हो चुकी है, मम्मी नीचे गई, मैंने कहा पानी पी के आता हूँ, मम्मी आप नीचे पहुँचो। तो जल्दी से मैं हेलमेट पहना, चाबी ले लिया गाड़ी की, तो डॉक्टर से 6 बजे का अपॉइंटमेंट लिया था, 6 बजे मिलने जा रहा हूँ डॉक्टर से कैप के लिए। उसके बाद जैसे वापसी आऊँगा पूरा डिटेल आपको बताऊँगा। तो खाना वाना मैं खा के रेडी हो गया। आज रात में बहुत मैंने हल्की चीज़ खाई, हमने लौकी का गुजिया सुना होगा, गुजिया बनी थी आज, उसको घिस के और हल्का सा हल्दी उल्दी नहीं डाली जाती है उसमें, केवल उसमें मिर्चा प्याज और लहसुन से छौंक दिया जाता है। तो नॉर्मल सब्जी आज खाई, हेल्दी चीज़ खानी थी, कि आम भी खा रहा हूँ तो वही दवा वाला आम है उसको भी ध्यान देना है। तो इस चीज़ आज मैंने कहा रात में हल्की चीज़ खाएंगे और सुबह बहुत दोपहर में भारी चीज़ हो ही जाती है, रात में हल्की चीज़ खाई जाए। तो यही लौकी की गुजिया बना ली। तो उसके बाद सोचे मैं सोचा ला लेट के मूवी देखा, और कल आने जो बीत गया मेरा, कल तो मेरा बर्थडे था, तो उसमें मैंने नीचे मेरा छोटा सा बेबी रहता है उसको मैंने बुला लिया केक कटिंग के लिए, मेरे को साथ सपोर्ट दे दिया और मुझे भी अच्छा लगता है यार छोटा बेबी मेरे साथ केक काट रहा है। और कई लोग ने मेरे इंस्टाग्राम पे व्हाट्सअप पे फेसबुक पे सब ने विश किया मेरा, मुझे बर्थडे विश किया, तो मुझे जय दयाल से थैंक यू। और जितने भी यूट्यूब फैमिली उन्होंने भी मुझे बर्थडे विश किया, बहुत दिल से थैंक यू आप लोग को। और मेरे को बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, मूवी जो नई वाली चल रही है जो मैं आराम से कल देख लूँगा, मेरे पास
सब्सक्रिप्शन में, जैसे सब्सक्रिप्शन में आ रही होगी, मैं सब्सक्रिप्शन लेके आराम से उसको मूवी देख लूँगा या यूट्यूब पे देख लूँगा। तो अब मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा, मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करेगा, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए बाय।